तो चले दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। बीजेपी का कल महामंथन। आपको बता दें दिल्ली में शनिवार को भाजपा की अहम बैठक होने वाली है। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया जाएगा। बैठक में उम्मीदवार तय करने को लेकर भी विमर्श किया जाएगा। माना जा रहा है कि बैठक के बाद उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की जा सकती है। पहली सूची में 150 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार तय किए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जहां जहां 2019 में भाजपा को शिकस्त मिली थी उनके प्रत्याशी पहले तय किए जा सकते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ से बस्तर और कोरबा जबकि मध्य प्रदेश से छिंदवाड़ा सीट के लिए प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो सकता है। वहीं छत्तीसगढ़ में सरगुजा, रायगढ़ और बिलासपुर जबकि मध्य प्रदेश में सीधी, जबलपुर, होशंगाबाद, मुरैना से भी प्रत्याशी तय किए जा सकते हैं। आपको बता दें सूत्रों के हवाले से खबर है कि भाजपा जल्द ही अपनी प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ईश्वर शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस पर आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली में कल बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है, लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी को लेकर मंथन होने जा रहा है, क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? देखिए बिल्कुल, दिल्ली में कल बड़ी बैठक होती हुई नजर आएगी। चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की ये बैठक देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी और इस बैठक में लोकसभा चुनाव के जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर मंथन देखने को जो है मिलता हुआ जो है नजर आएगा। सीधे तौर पर बात करें और भारतीय जनता पार्टी की फरवरी के अंत में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी होती हुई जो है नजर आ सकती है और उस बैठक के बाद सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि कभी भी यानी फरवरी के अंत में और मार्च के पहले हफ्ते में बीजेपी जो है अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करती हुई जो है नजर आ सकती है। करीब 100 के आसपास जो उम्मीदवार है वो पहली सूची में देखने को जो है मिलते हुए नजर आ सकते हैं। पहले जो हारी हुई सीट है उस पर भारतीय जनता पार्टी जो है उम्मीदवार उतारती हुई नजर आएगी। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हम बात करते हैं तो बस्तर और कोरबा की सीट देखने को मिलती हुई नजर आती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो छिंदवाड़ा की एक सीट देखने को मिलती हुई नजर आती है। ऐसे में बीजेपी ने एक विस्तृत प्लान बनाया है कि जो हारी हुई सीटें हैं उनको किस तरीके से अपने पास वापस जो है लिया जाए ताकि जो मिशन 370 और एनडीए का मिशन मिलाकर 400 पार करने का जो रखा है वो किस तरीके से पूरा होता हुआ जो है नजर आए। तो ऐसे में कल की हम बात करते हैं तो कल एक बड़ी बैठक जो है सीधे तौर पर दिल्ली में देखने को जो है मिलती हुई जो है नजर आएगी। जी जी बिल्कुल, इस पर तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए